हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पैरामीटर रोड सिडनी ऑस्ट्रेलिया से फारूक बोल रहा हूँ आपके साथ। ये देखिए ज़रा इनका, मैं आपको ना एक कल्चर दिखा रहा हूँ। ये घरों के रहने बसाने के लिए कैसे ये घर हैं इनके, कैसे रहते हैं, क्या किस तरह के ये इनके खुले इनके गार्डन होते हैं, ये कैसे, ये अभी इनकी ये नई बिल्डिंग अभी दूसरी स्ट्रक्चर पे आ रही है, तो नए इन्होंने ये बिल्डिंग बनानी शुरू की है। ये फ्लैट्स टाइप ये अपार्टमेंट बन रहे हैं। ये नए, पहले ये इनके इस तरह के घर रहे थे, इतने बड़े बड़े गार्डन, और जैसे वो हम ऐसे कहते हैं जैसे वो ना जंगल के साथ हैं सारे, इतना इनके बेहतरीन रहने का ये स्टाइल मुझे तो ये पसंद है। ये देखें, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ना दूसरे स्टाइल में जा रहे हैं कुछ एरियाज में, सब में नहीं, कुछ एरिया अपार्टमेंट में जा रहे हैं। जाहिर है अभी वो कुछ रिक्वायरमेंट भी हैं, लोग ज़्यादा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इनका ये है कि वो अगर बड़े विले ही बने इनके जैसे ये बने हुए हैं, तो जाहिर है वो फिर इसमें सिटी में जगह कम होगी, क्योंकि ये इसमें तो काफ़ी सारी गुंजाइश होती है ये वाली। तो अभी ये ना अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं कुछ एरियाज में, ऐसे एरिया हैं कि जहाँ से ना वो कर रहे हैं कि अपने इनको ना डबल भी कर रहे हैं। अच्छा, ये एक और बात है, ये देखिए सर सामने, ये एक घर को इसको ना ग्रैनी हाउस कहते हैं, यानी एक जो बड़ा घर है ना, बड़ा एरिया, उसके अंदर एक छोटा उसी तरह का सेम घर बना लेते हैं, उसको कहते हैं ग्रैनी हाउस। वो फिर यानी उसी लैंड के अंदर, फॉर एग्जांपल एक किनाल है ना, तो पहले वो एक किनाल में रह रहे हैं, ठीक है, उसमें से ये देखो घर, ये भी इन्होंने उनको वो ना उधर शिफ्ट कर देते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर वो ना उसको रेंट पे दे देते हैं, और ऐसे कह लें कि वो एक कनाल को अब ये यूज़ करके तो उसके साथ एक छोटा सेम घर बना के उसको ग्रैनी हाउस का नाम देते हैं, कि ग्रैनी हाउस है, उसको फ्लैट अपना वो दे देते हैं, रेंट पे दे देते हैं, या ऐसे कह लें कि वो फ्यूचर के लिए के दो बच्चों के लिए वो अपार्टमेंट बन जाता अच्छा रहने के लिए, और सेम पोजीशन रहती है, वो कुछ चेंजिंग नहीं होती। ये देखे सामने, अभी इनको वो ऐसे कर रहे हैं कि वो जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं उनको गिरा के आगे से उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं और दो बना देते हैं, या एक बनाते हैं तो उसका जो पहले होता था ना गार्डन एरिया, वो गार्डन एरिया ज़्यादा होते हैं, तो अब वो गार्डन एरिया को कम करके रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा कर देते हैं। ये अभी इसमें ना इनके वो चेंजिंग आ रही है। ये देखिए, पहले ये स्टाइल भी होते थे, अब थोड़ा थोड़ा स्टाइल भी चेंज कर रहे हैं। ये देखे ना सीलिंग, इसका रूफ टॉप जो है सीधा है, ये अभी सीधे रूप में भी आ रहे हैं, यानी जो नए बनते हैं ना मोस्टली उनके रूफ टॉप बिल्कुल वो सीधा रखते हैं, और पहले जो थे ना वो तो सारे ऐसे ही हैं ना जैसे इनका ये नेचुरल स्टाइल है घरों का। ये देखिए, और बड़ा प्यारा लगता है, बहुत ज़बरदस्त होता है वो, ये जो इनका स्टाइल है पहला, लेकिन चूंकि कुछ चेंजिंग भी हो रही है इनकी, तो अपने स्टाइल को वो चेंज भी कर रहे हैं कुछ एरिया से। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं बाहर का एरिया आपको ज़रा दिखाऊं, तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। मज़ीद मुझे कुछ बाहर निकलने से
कुछ डिफरेंस नज़र आता तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ओके इंशाल्लाह, नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।